ये इनके बिखेरे पर बोलते हैं, परों को मिलेगी मंजिल ये इनके बिखेरे पर बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मेरा मतलब है जनाब श्रीनिवास दासू साहब से, वो आपको पैगाम देना चाहेंगे। इससे पहले के दासू साहब पैगाम दे, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि शहर हैदराबाद की पुलिस सारी दुनिया ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, जो अपने काम से जानी जाती है। यानी तेलंगाना की पुलिस ना सिर्फ अवाम की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेती है, बल्कि यहाँ के नौजवानों को उनकी सेहत का ख्याल करते हैं, उनके एजुकेशन का ख्याल करते हैं, और यही नहीं बुजुर्गों का, खवातीन का और उन नौजवान लड़कियों का जो पुलिस स्टेशन जाते हैं वो अपनी मदद तलब करते हैं, पुलिस पूरी तवज्जो के साथ उनकी मदद करते हैं। ऐसा बच्चे बन गया, यो ऐसी आदमी की फोन नहीं देना, फोन देने तो ये पैसा जाते, और जो ये फिशिंग का मैसेज रहता, फिशिंग का मैसेज बोले तो एक मछली पकड़ने के वास्ते क्या रहता है, एक छोटा सा कीड़ा डाल देना, वैसा हमारा भी सेम छोटा सा मैसेज डाल के हमारा को अटेंशन गेन करते, उसके बाद हम लोग वो मैसेज में हम लोग रहता पूरा पैसा चल जाते। इसका वाना और ड्रग का वास्ते भी आपका घर का बच्चा रहने दो, आपका किसी का रहने दो, अवेयरनेस उनको क्या बोलते हैं इनिशिएट करना है। इतना से मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकता हूँ क्योंकि हमारा कोई हिंदी पूरा नहीं आता लेकिन आगे पीछे रहता। इसके वास्ते मैं और एक बार बोल रहा हूँ, सब लोगों को ये मीटिंग रखने में जो ऑर्गेनाइज कर रहे इधर ऑर्गेनाइज करा, और मैत्री वालों को, पीस कमेटी वालों को, मैत्री मेंबर्स को, पीस कमेटी मेंबर्स को और गोलकोंडा वासियों को, सबसे दानकोटा वासियों को और धन्यवाद बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। कोऑपरेशन से आज का जो प्रोग्राम अरेंज हुआ है उसके लिए मैं आप लोगों को, बस्ती वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ, और हम भी पीस ऑफ मैत्री कमेटी के लोग, ऑफिस बेयरर्स प्लस मेंबर्स, हम सब मिलकर जैसे आज के प्रोग्राम को कामयाब करे हैं। हम आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स करने का आपको तयपन देते हूँ, और साथ ही साथ इसके और अच्छे अंदाज से हम अवेयरनेस लेकर आने के लिए आपको कोऑपरेट करेंगे। यहाँ के दानकोटा इसीलिए फर्स्ट मीटिंग का अरेंज किया गया है कि यहाँ पर ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स हैं जो पुलिस को खटक रहे हैं,